पत्तियों से घुमाया था इन्होंने प्रॉपर। ओए फेस भी घूम रहा है, वाओ। सो गाइज अभी हम खन्ना मार्केट में हैं, हमारे वहाँ पे भी बहुत सारे रावण लग रहे हैं इस बार रंजीत नगर में, बट वहाँ पे अभी खड़े नहीं हुए तो मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट करता हूँ अभी। तो हम यहीं से अपना काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ से काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं, ये है रावण नंबर वन जो है खन्ना मार्केट में, उसके पीछे एक और रावण है, ये रहा। उसके पीछे एक और रावण है, रावण नंबर टू। अब मैं आप सो गाइज ये है अपना रावण नंबर थ्री जो कि यहाँ का बहुत फेमस रावण है और इसके लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि इसका फिनिशिंग देखो एक बार कितना इन्होंने साफ सुथरे तरीके से बनाया हुआ और ये बहुत सारे इसमें बम भी काफ़ी अच्छी है, हाइट भी काफ़ी अच्छी है, मतलब जिसको कहते हैं ना 10 out of 10 ये वो रावण है। सो गाइज अभी हम पटेल नगर के रावण कवर कर रहे हैं और ये है रावण नंबर फोर। सो गाइज ये है रावण नंबर फाइव जिसने अभी अंडरवेयर नहीं पहना हुआ अभी, एक्चुअली ये नहीं ये अच्छा तरीका है क्योंकि घाघरा लगाने के बाद भारी हो जाता है ना रावण, इस ऐसे आसानी से खड़ा भी हो जाता है। और ये है रावण नंबर सिक्स, इसने भी अंडरवेयर नहीं पहना और ये हमारा छोटा रावण आ गया घूम घूम के अकेले अकेले निकाल लिया जिंदगी में पहली बार इसने स्कूटी निकाली है। गाइस देख लो इसके पास स्कूटी भी है, आंसू आ रहे हैं मेरी आंखों आंखों में आंसू आ रहे हैं और इसका शायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आ जाए स्कूटी निकालने पहली बार कि आप खरीद के स्कूटी वेस्ट कैसे कर सकते हो। और ये है गाइस अपना रावण नंबर सेवन, इसके पीछे एक और खड़ा है छोटा रावण, रावण नंबर एट हो गया वो, और उसके पीछे जो खड़ा है वो एक हफ्ते से खड़ा रहा। ये देखो गाइस ये यहाँ का सबसे सुंदर रावण है, ये रावण नंबर टेन है और इसकी हाइट इतनी बढ़िया है आपको दिख रही होगी, ये भी बहुत अच्छा, मतलब इससे अच्छी फिनिशिंग मैंने कहीं नहीं देखी। ये रहा गाइस यहीं पे रावण नंबर 11, आगे से दिखाता हूँ। ये भी काफ़ी बड़ा रावण है, ये भी बच्चों ने ही बनाया हुआ है, रावण नंबर 11। सो ये है गाइस रावण नंबर 12, ये भी काफ़ी अच्छी लेंथ है और फिनिशिंग बहुत अच्छी दे रखी है इन्होंने भी, इसको भी हम देंगे 10 out of 10। और ये है गाइस रावण नंबर 13, ये भी काफ़ी अच्छा, मतलब ये मंगवाया हुआ रावण, ये भी बड़ा रावण है काफ़ी। सो गाइस ये है रावण नेवी ब्लू 14 प्रो मैक्स, ओए होए भाई ये तो बहुत ही बड़ा है, ये बहुत गंदा फटता है भाई, बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, नाम है ये मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकता इतना बड़ा। और ये है गाइस रावण नंबर 15 जो कि अभी सो रहा है, अभी उठेगा ये, इसमें बम लगा चुके हैं, ये बम दिखा, ये अभी सो, ओए होए बम की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी, डब्बे देखने से डब्बे देख, पटेल नगर है तो बम तो यार लगेंगे ही। ये अभी सो रहा है रावण नंबर 15, जल्दी खड़ा हो जाएगा, कब तक होएगा खड़ा? शाम तक, ठीक है। सो गाइस ये है रावण नंबर 16 जिसका अभी ऑपरेशन चल रहा है, इसको जोड़ा जाएगा फिर इसको खड़ा करा जाएगा। सो गाइस ये है रावण नंबर 17 जो कि बहुत, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी फिनिशिंग देखो एक बार, ओए मज़ा आ गया। सो गाइस ये है रावण नंबर 18 जो अभी खड़ा होने वाला है बस, और ये यहाँ का मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट रावण होगा क्योंकि इनकी फिनिशिंग देखो एक बार, हाथ देखो, डोले देखो, राइट देखो, आंखें देखो, आंखें देखो, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। सो गाइस ये है रावण नंबर 19 जो कि अभी कुछ ज़्यादा ही इनकम्प्लीट है अभी, इसको साबुन वाबुन लगा के धोएंगे अभी। सो गाइस ये है रावण नंबर 19, एक बार देखो ये कितना बड़ा है, मतलब इसमें बम भी देख लो एक बार कितना चार लगे। सो गाइस ये है रावण नंबर 20 जो अभी बस खड़े ही होने वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा रावण है, बहुत अच्छा रावण है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है यहाँ की, ये क्रेन भी आ चुकी है खड़ा करने के लिए हर जगह तो जान सकते गाइस, कम से कम मतलब 3 साल बाद है ना दोबारा वो दशहरे वाली वाइब आ चुकी है, हर रोड पे रावण दिख रहे हैं वो भी, और इस बार छोटे मोटे तो बन ही नहीं रहे कोई भी, जितने भी दिखाए ना 20 दिखाए अभी तक और 20 के 20 इतने बड़े हैं ना सारे, अभी तो काफी सारी जगह ऐसी है जो अभी हमने कवर की, अभी कुछ नहीं कवर किया, अभी मैंने अपने घर के नीचे का नहीं कवर किया क्योंकि वहाँ पे अभी खड़ा होना स्टार्ट हो रहे थे, इसलिए मैंने अभी घर जाते जाते देखना एटलीस्ट 100 रावण तो दिख ही जाएंगे आपको इस वीडियो में। सो गाइस ये है रावण नंबर 21 जो कि ये भी काफी अच्छा रावण है, इसके तो बाल बनाए हुए हैं, ये रैपर रावण है। सो गाइस ये रावण नंबर 22 जो कि अभी पड़ा हुआ है, उसका ऑपरेशन होएगा अभी। सो गाइस ये है रावण नंबर 23 जो कि हद से ज्यादा बड़ा है, एक बार आगे लियो,
ये देखो वो देखो भाई उतर के देखो मस्टर्ड ये देखो भाई ये इसकी फिनिशिंग देखो अलग ही लग रही हुई क्योंकि ये वेलवेट वाले ग्लेस पेपर हैं और आगे देखो उसका लुंगी ये एक बार लुंगी देखो अब जो ये रावण जो होएगा ना खड़ा होके ये ना अलग ही दिखेगा क्योंकि इस पर अलग क्योंकि रात में जब इस पर लाइट पड़ेगी ना वेलवेट पे तो ये अलग ही लेवल का बन जाता है लेकिन ना एक इन्होंने बहुत लेट करी है जिस हिसाब से इनका रावण है ना इनको दो से तीन दिन पहले खड़ा करना चाहिए। सो गाइस ये है पंजाबी बाग जहाँ पे रामलीला होती है रामलीला ग्राउंड है पंजाबी बाग का और यहाँ पे हमेशा तीन लगते हैं बड़े बड़े तो कुल मिला के यहाँ पे 26 रावण हो गए। ये भी काफ़ी बड़े रावण हैं गाइस बहुत बड़े हैं गाइस ये भी। सो गाइस हम आ चुके हैं अब सुभाष नगर और ये 29 रावण यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं अपने ये भी काफ़ी अच्छे रावण हैं। सो गाइस ये है मेन मार्केट सुभाष नगर का रावण पूरी दिल्ली का सबसे एक्सपेंसिव रावण है और इस रावण के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और आप एक बार इसकी मैं एक बार थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ एक बार फिनिशिंग देखो इसकी मतलब देखो कितनी डिटेलिंग में इसमें काम हुआ है। तो पूरी दिल्ली का सबसे एक्सपेंसिव रावण है मतलब इतने तीन रावण मिला के खर्चा आता होगा जितना इस एक में आता है। तो गाइस ये है रावण नंबर 31 जो कि ये भी काफ़ी बड़ा रावण है ट्रक आ गया। सो गाइस ये है अपना रावण नंबर 32 जो कि बहुत बढ़िया बियर्ड वाला रावण है ओए इनकी फिनिशिंग देखो एक बार मतलब इन्होंने बाल टाइप लगा रखे हैं बियर्ड में बहुत अच्छा रावण है बहुत बढ़िया। कब तक चलेगा ये कब तक चलेगा 12 बजे जलेगा ये कब तक चलेगा 7:30 10 बजे तक जलेगा ये जलेगा 9:30 बजे 9:30 बजे ये लगाया क्या ये बने बढ़िया मजा आया। सो गाइस ये है रावण नंबर 30 यहाँ पे टोटल 35 रावण हो गए और इनकी क्रिएटिविटी देखो एक बार कितना क्लीन रावण है। तो गाइस यहाँ पे टोटल 35 रावण हो चुके हैं इनकी एक बार क्लैरिटी देखो ये कितनी क्लीन रावण बनाते हैं एकदम बाल लगा रखे हैं नहीं कि जैसे वो लकड़ियों से घुमाए गए इन्होंने प्रॉपर ओ फेस भी घूम रहा है वाओ अरे भाई इसको बोलते हैं ना वो ये क्रिएटिविटी देख भाई मजा आ गया। सो ये है गाइस रावण नंबर 36 ये इन्होंने थोड़ा सा गलती हो गई वरना ये बहुत अच्छा रावण था ये बहुत अच्छा इनकी फिनिशिंग देख एक बार वही इन्होंने भी वेलवेट वाले वो लगा रखे हैं ग्लेशियर पर यार गलत हुआ यार मुकुट गिर गया यार थोड़ा मुंह टेढ़ा हो गया। चलो देखते हैं आप ये कैसे फिक्स करते हैं इसको करने को तो कर देंगे गाइस छोटे रावण में अभी काउंट नहीं कर रहा मैं आपको बड़े रावण की वो बता रहा हूँ रेशियो। सो गाइस ये है रावण नंबर 37 और एक बार पीछे वाला रावण देखो ओए होए भाई साहब इसको बोलते हैं रावण भाई फिनिशिंग देख भाई का डिजाइन बनाया वेलवेट बैंड भाई इसकी तो ऊपर से लेके नीचे तक एकदम क्लीन है इतना क्लीन और इतना बड़ा इतना साफ इसको मिलेंगे 10 में से 11 नंबर भाई उंगलियां देखो उन्होंने प्रॉपर चीज बनाई है कभी जिंदगी में ऐसा रावण नहीं देगा सच बोल रहा हूं इसके 6 हाथ हैं ओए होए गाइस इसको बोलते हैं ना भाई कितने बनाए ये भाई क्या लग रहा है यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऐसा कभी नहीं देगा कभी नहीं देगा ऐसा कब तक चलेगा शाम को चलेगा। सो गाइस ये है रावण नंबर 40 और इसकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे जितने भी रावण देखे ना सबने बहुत अच्छे मतलब वेलवेट वाले ग्लेस पेपर लगाए हुए हैं और बियर्ड भी इन्होंने वैसे ही घुमाई नहीं हुई जैसे लोग घुमा देते हैं हैंडमेड है सारा मतलब बालों की तरह बना रखा है पूरा रियलिस्टिक बना रखा है इन्होंने। और ये है गाइस रावण नंबर 41 ये भी खड़ा होने वाला है बस ये भी काफ़ी अच्छा रावण है।
सो गाइस ये है रावण नंबर 42, ये भी खड़ा होने वाला है बस। सो गाइस ये है रावण नंबर 43, ये भी खड़ा होने वाला है। अब हम आ चुके हैं अपने घर की साइड। अब यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, सुबह मैच ने नहीं दिखाया क्योंकि खड़े नहीं हुए थे पूरे, अभी भी नहीं हुए। ये देखो सामने। सो गाइस ये है रावण नंबर 44, ये बस अभी खड़ा होने वाला है, क्रेन आ रही है इसके लिए भी। यह है 45, 46 और 47, तीनों रावण एक साथ खड़े हैं लाइन से। सो गाइस ये है रावण नंबर 48, ये 82 स्टैंड पे खड़ा होता है हमारा। सो गाइस अब करोल बाग आ चुके हैं, यहाँ भी बड़े बड़े रावण लग रहे हैं। ये हो गया हमारा 49 और वो 50, मतलब यहाँ तक हमें 50 रावण जो है कंप्लीट हो चुके हैं और ये सारे बड़े बड़े हैं सारे। और गाइस ये रहा अपना रावण नंबर 51 जो कि अभी तक खड़ा नहीं हुआ। सो ये है गाइस रावण नंबर 52, ये भी अभी खड़ा होने वाला है। करोल बाग में अभी कोई भी खड़ा नहीं हुआ, सारे अभी लाइन से अभी खड़े होंगे। सो गाइस ये पांडव नगर है और यहाँ पे लाइन से लगा के खड़े हैं। यहाँ पे हो गए 55 और पीछे भी खड़ा है दो, 56 और 57 और पीछे एक और है 58। वाह मज़ा आ गया कसम से। यहाँ भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ, बम फूट रहा है। तो गाइस यहाँ तो लाइन लगा के रावण है बहुत सारे और ऐसा नहीं है कि बेकार, सारे बढ़िया रावण है इधर। ये भी काफ़ी अच्छा रावण है गाइस, ये देखो गाइस ये भी बढ़िया बनाया हुआ है, एक नंबर मज़ा आ गया। ये है रावण नंबर 61 और ये है रावण नंबर 62। सो गाइस काफ़ी थक गया था और काफ़ी रावण तो मैं छोड़ के आया हूँ और छोटे रावण मैंने अभी तक गिने ही नहीं। तो टोटल कुल मिला के अगर मैं बताऊँ आपको तो 100 से काफ़ी ज़्यादा 150 रावण हमने देखे हैं।